One second. Okay. Truly? Truly. How full was the data today? Ah, sorry. Truly? Action? सब्जी ये भाई साहब को मैं बताता हूँ, आज सुबह उठकर मैं अपनी सब्जी की दुकान लगा रहा था, पता नहीं कहाँ से ऐसा आ गई और मेरी सब्जियां खाने लगी। मैंने उसे भगाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं भागी और उसके धक्के से मेरी दुकान का बम्बू बुझ कर गिर गया और देखो क्या हाल हो गया मेरा। तो आप यहाँ भैंस करने क्यों आए? जिस भैंस ने आपको तकलीफ दी है उसे जाके पकड़ो। आप अभी क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि जिस भैंस ने घर से बाहर कब निकली थी शर्मिला? शान सर आपका लाइन है, देखिए इसकी कोई गलतफहमी हुई है। अरे हम तो अपने आप को भी नहीं पा सकते, भैंस क्या पा रहे? लेकिन वो भैंस तो आप लोगों की थी। हाँ मुड़ी कान बोला, लड़की को कौन है, कौन है ये? तुम्हें नीचे से बच्चा बोलता है राइट में। इंस्पेक्टर अंकल ये भैंस इस परिवार की मेंबर है अब, और ये जो है ना ये मोबो है, इस घर की बहू। अरे क्या मजाक लगा रखा है, कभी बोलते हैं भैंस हमारी नहीं है, कभी बोलते इस लड़की को जानते नहीं है, जबकि आप लोग की घर की बहू है। देखिए मेरे साथ मजाक मत कीजिए, अगर आप मजाक करोगे ना तो आप सबसे चटिंग का केस डाल दूंगा मैं। देखिए देखिए साहब,
जाने दीजिए भाई। ओए भाई तेरा कितना नुकसान हुआ है, ले ले हमसे बता। मेरा नुकसान 5000 रुपए का हुआ है। बहुत 5000? जी। ओए यार थोड़ा कम तो कर। क्या कम कर, मेरी दुकान पे अगर तुम आते तो मैं सब्जी में कुछ कम करता, धनिया मिर्ची फ्री देता, लेकिन ये मेरा नुकसान हुआ है, पूरे 5000 रुपए चाहिए मुझे। अच्छा चलो ठीक। मैं अपनी दुकान से तुम्हारे घर तक टैक्सी में आया, उसका भाड़ा कौन देगा? अरे 5000 रुपए सब्जी के और 200 रुपए भाड़े के, 5200 रुपए। ओके हिसाब बराबर। चलो इंस्पेक्टर साहब चलो। चले गए सब लोग। मैम बोलिए 5200 का नुकसान करा दिया इस भैंस ने। अब हमारा मूड ऑफ हो गया है। अब हम यहाँ इस भैंस को एक पल भी नहीं रखेंगे यहाँ पे। हमने शब्द तुम कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन मम्मी जी इसका हमारे सिवा कोई नहीं है। लेकिन मम्मी जी इसका हमारे सिवा कोई नहीं है। नहीं ये यही रहेगी। क्या नहीं रहना चाहिए। लेकिन मम्मी जी